महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर दैहिक शोषण और अन्य तरीकों से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ से हटाने और पास्को एक्ट सहित महिलाओं का दैहिक शोषण की धाराओं में गिरफ्तार करने को लेकर किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने तहसीलदार सुनील भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए किसान यूनियन ने मांग की कि शीघ्र ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाए और भारतीय कुश्ती संघ से तत्काल हटाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज जाट, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, कुबेर जाट, मनोज यादव, राजा यादव, बीके जाटव, रंजीत सिंह, चरण सिंह, अनूप सिंह जाट, मुनेन्द्र जाट, शेलू यादव, रणजीत सिंह आदि प्रमुख है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा जो हमारे देश के पहलवान जिन्होंने की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और पदक लेकर आए, उन पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किए गए हैं उसके संबंध में विगत जनवरी माह से मांग चल रही है और अभी तक उसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर हमारी बच्चियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया, उनको गिरफ्तार करके तत्काल न्याय संगत कार्रवाई की जाए।